नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े प्रमुख खबरों का। रंगदारी न देने पर देर रात दबंगों ने सड़क पर बरसाए लाठी डंडे। विरोध करने पर दबंगों ने युवक की दुकान में तोड़फोड़ कर गल्ले से लूटे रुपए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को लिया हिरासत में। सड़क पर मारपीट होता देख लोगों ने मामले का बनाया पूरा वीडियो। पीड़ित के भाई का कहना है कि आरोपी आए दिन रंगदारी न देने पर मारने की देते थे धमकी। मामला ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के तीन बंदर का है। लखनऊ से निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, सर्वे होगा। आज से ही ज्ञानव्यापी परिसर का होगा सर्वे। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की अर्जी खारिज। वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती। जिला कोर्ट ने 21 जुलाई को दिया था सर्वे का आदेश। लखनऊ से निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में खाकी की गुंडागर्दी आई सामने। थाना पारा क्षेत्र में पुलिसकर्मी की जबरदस्त गुंडई देखने को मिली है। बाइक सवार सिपाही ने मारी व्यक्ति को टक्कर। टक्कर मारने के बाद सिपाही उल्टा व्यक्ति से ही हुआ आग बबूला। गाली गलौज करते हुए दे डाली व्यक्ति को रिवॉल्वर निकालकर गोली मारने की धमकी। राहगीरों ने सिपाही को पकड़कर कराया शांत। खुलेआम सड़क पर पब्लिक के बीच व्यक्ति को मारने के लिए सिपाही ने निकाली रिवॉल्वर। सिपाही की रिवॉल्वर निकालते वक्त वह गोली मारने की धमकी देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लखनऊ से निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। लखनऊ ज्ञानव्यापी के सर्वे फिर से शुरू होने पर उत्तर प्रदेश स्वतंत्र राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, फिर से शुरू हुआ है। कोर्ट ने एएसआई को फिर से कहा है कि सर्वे करें, रिपोर्ट हमें सौंपे, इसमें गलत क्या है। वहीं विपक्ष ने कहा है कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट सबके लिए खुला है, जिसको जहां जाना हो जाए। वहीं कहा कि अंदर त्रिशूल के निशान है। कई ऐसी चीजें हैं जो साक्ष्य बताती हैं कि यह ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं मंदिर है। लखनऊ से निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। देखिए, सर्वे शुरू हुआ है तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है। न्यायालय की जिम्मेदारी भी है कि जो भी विवाद के मैटर्स होते हैं उनका सही समय पे आकर के उनका निर्णय करे और निर्णय करके उसका प्रक्षेप करे। उन्होंने एएसआई को कहा कि आप जाइए और सर्वे करिए, सर्वे करके रिपोर्ट सौंपिए। मुझे इसमें किसी आपत्ति होने का विषय नहीं है। एएसआई जाएगी और जो सर्वे के आधार पर उसको मिलेगा उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेगी, हाईकोर्ट उसका निर्णय करेगा। मुस्लिम पक्ष से करा करके न्याय मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील की कि आप थोड़ा बड़ा दिखाइए। पूर्वजों से जो गलती हुई है, इतिहास में कालातीत जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को ठीक करें। और जो मुगल थे वो तो जो वर्तमान में हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम है, उनके पूर्वज भी नहीं। तो मुगलों ने मंदिरों को तोड़ा और मंदिरों को तोड़ करके उनको लगातार मस्जिदों को मस्जिद बनाने का काम किया और हिंदुओं के कत्ल करने का काम। इतिहास गवाह है तो। लेकिन उस को विषय हम छोड़ जाते हैं और वर्तमान में जो ज्ञानवापी है उसमें मंदिर के प्रतीक है। वहां मंदिर है, वहां पर नंदी जी हैं, वहां पर शिवलिंग है, वहां पर त्रिशूल के निशान हैं, वहां पर सती का चिन्ह है। तो जो हिंदू प्रतीक होने का सीधा सीधा संकेत कर रहे हैं उसी की चर्चा हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की है। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि वो आगे आए और आगे आकर के मंदिर होने का समर्थन करें। इसौली जिला सुल्तानपुर सपा से दो मर्तबा विधायक रहे अबरार अहमद का निधन। अबरार अहमद जमीनी नेता थे एवं सपा के कद्दावर नेता आजम खान के करीबी माने जाते थे। अबरार अहमद 2012 से 2017 में विधायक चुने गए थे। आजम खान के करीबी होने कारण 2022 में उनका टिकट काट कर तारिफ खान को दे दिया गया था। इस बात का उन्हें बहुत अफसोस था। लखनऊ से निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। थाना बाजार खाला के अंतर्गत चला बुलडोजर। पंजाब लॉन के साथ साथ अवैध फैक्ट्रियों पर चला बुलडोजर। एलडीए द्वारा एस बाग में की गई कार्रवाई। लखनऊ से निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। लखनऊ से जुड़े प्रमुख खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज टुडे के साथ।